डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इनिशियल सर्विस के पीवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2022 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, अ बॉक्स कंटेंट टू कॉइन, वन ऑफ विच इज फेयर एंड अनदर वन इज टू हेडेड। वन कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस ट्वाइस। If two head appear, then what is the probability that the chosen coin is two-headed? ठीक ना, तो यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए वो है कि इसमें हमें बेस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है। ठीक है, वो गिवन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो कॉइन है, एक है टू हेडेड कॉइन मतलब जिसमें दोनों साइड में हेड है, और एक है फेयर कॉइन जिससे एक साइड हेड है एक साइड टेल है। तो ई वन जो है ना वो हम लेते हैं, फेयर कॉइन इज चूजन। ठीक है फेयर कॉइन चूज, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेयर कॉइन चूज होने का प्रोबेबिलिटी हाफ। दो कॉइन है, दो में से एक चूज होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ। इसके बाद हो गया ई टू, ये क्या है, टू हेडेड कॉइन इज चूज, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी होगा आपका हाफ। इसके बाद ए है टू हेड अपीयर्ड, टू हेड अपीयर व्हेन कॉइन टॉस ट्वाइस। ठीक है, तो इसका इसको क्या होगा, देखिए अभी अगर मान लीजिए आपको फेयर कॉइन चूज हुआ, आपको दो हेड आने वाला है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। और अगर एक अगर टू हेडेड आएगा और अगर टू हेडेड कॉइन चूज हुआ है तो इसका इसमें प्रोबेबिलिटी होगा 1, क्योंकि इसमें दोनों साइड हेड ही है तो ऑफकोर्स वही आएगा। तो अभी यहाँ पे सवाल आता है कि 1/4 कैसा है, 1/4 ऐसा है, देखिए हेड टेल, यहाँ पर भी अगर हेड आएगा तो दोबारा हेड आएगा और ऐसे दो दो ऑप्शन रहेगा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए चार पॉसिबल आउटकम है, दो हेड एक टेल, एक टेल हेड टेल टेल, तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन जो ना वो हमारा डिजायरेबल कंडीशन है, वो इसलिए 1/4। अभी हम यहाँ पे बाय अप्लाइंग बेस थ्योरम, ठीक ना, देखिए बेस थ्योरम में यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालने बोला है कि जो टू हेडेड आया वो जो है ना वो टू जो टू हेड आया वो टू हेडेड कॉइन्स आया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन ए, मतलब जो है ना टू हेडेड आ चुका है, हमें देखना है कि वो टू हेडेड कॉइन्स है वो देखना है। तो इसका इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके इसमें हो जाएगा आपका हाफ इनटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे दोबारा हाफ इंटू 1/4 प्लस हाफ इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे हम हाफ जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं, सामने से सामने भी यहाँ पे हाफ है और नीचे भी आप हाफ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 प्लस 1। तो देखिए हाफ यहाँ पे कम हो डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4/5। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी डाउट है तो उनसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के हम अपने सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।